टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा के खाड़ी से एक सोने चांदी के व्यापारी की शव बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये शव 40 वर्षीय भारत जैन की है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि शव के हाथ पैर बंधे हुए थे। मामला अपहरण और हत्या का बताया जा रहा है। दरअसल थाने के नीलकंठ सोसाइटी में रहने वाले भारत जैन 15 अगस्त को ही घर से ये कहकर गए कि वो दुकान पर जा रहे हैं, मगर वापस नहीं आए। जिसके बाद 15 अगस्त को भारत जैन की बीवी ने नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई और आखिरकार शुक्रवार को कलवा के पास खाड़ी में एक लाश बरामद की गई। लाश की जो स्थिति थी वो बेहद ही खराब थी और हाथ पैर बंधे हुए थे। शव कलवा पुलिस को सौंप दिया गया और भारत जैन के परिवार वालों को बुलाया गया, जिसके बाद परिवार वालों ने कपड़ों और अन्य दस्तावेजों के अनुसार भारत जैन की पहचान की। पोस्टमार्टम के बाद कानूनी कार्रवाई कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस पूरे मामले में नौपाड़ा पुलिस भारत जैन के दुकान के पास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है और अपहरण और हत्या का मामला अज्ञात व्यक्तियों पर दर्ज कर आरोपी की तलाश भी पुलिस कर रही है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टीवी।